गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम गुड लोग आफ्टरनून सर। तो हम लोग को लास्ट क्लास में हम लोग ने बात किया था फंक्शंस के बारे में, और वहां पे हम लोग ने टॉपिक पे भी डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, राइट। तो वहां पे हम लोग एक नया चीज देखे थे कि पॉइंटर। आज हम लोग आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द पॉइंटर। तो पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर्स क्या होता है, रोल क्या है पॉइंटर का, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल लास्ट क्लास में हम लोग एक ब्रीफ आइडिया दिए थे, मैंने आप लोग को एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि व्हाट इज द पॉइंटर और क्या क्यों यूज किया जाता है पॉइंटर को, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको लेके ही हम लोग आज का क्लास पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो स्क्रीन आपको दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, राइट। तो पॉइंटर, तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में बात किया था कि व्हाट इज पॉइंटर, ब्रीफ आइडिया में मैंने बताया था कि पॉइंटर दैट अ पॉइंटर इज एक्चुअली मीन्स सपोज वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल, हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं, अब उस वेरिएबल में हम लोग कुछ वैल्यू भी असाइन किए हैं, राइट। तो उस वेरिएबल का अगर कुछ एड्रेस हम लोग को पता करना होता है, अगर हम लोग उस एड्रेस के बारे में जानना चाहते हैं पॉइंट वेरिएबल का, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर कम। तो पॉइंटर इटसेल्फ इज अ वेरिएबल, तो पॉइंटर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये खुद से एक वेरिएबल है। तो मतलब हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर, एंड उस वेरिएबल मीन्स पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को फाइंड आउट करना या एड्रेस को स्टोर करना। तो वी कैन से दैट अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल, एक पॉइंटर क्या हुआ, पॉइंटर हम लोग का एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का दैट होल्ड एनी अदर एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल एक्चुअली। सो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन, ये एक बेसिक या फॉर्मल डेफिनेशन है। क्या है लॉजिकली, क्या होता है, कैसे हम लोग एक पॉइंटर को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे रन करेगा, क्या उसका लॉजिक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्मल डेफिनेशन एग्जाम पे आता है लिखने के लिए, तो वो आप लोग को एग्जाम के लिए याद कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन पॉइंटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करके देखेंगे कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग उसको क्लियर करेंगे आज, राइट। तो मैं सीधा प्रोग्राम पे चलता हूँ। पहले लास्ट दिन मैंने आप लोग को ये एक प्रोग्राम दिखाया था, राइट। तो मीन्स अ बेसिक डिफिनेशन फॉर्मल आइडिया देने के लिए। तो क्या है यहाँ पे, देखिए मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है, दैट इज द नेम ऑफ नाम। तो व्हाट इज द वेरिएबल नेम, दैट इज नाम। तो नाम इज इंटीजर डेटा टाइप, तो आवर वेरिएबल नाम, तो नाम हम लोग जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, दैट नाम इज एन इंटीजर टाइप डेटा वेरिएबल, एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू कौन सा डाला है, दैट इज 10। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल नाम इज होल्डिंग द वैल्यू 10, राइट। अब हम लोग क्या किए, प्रिंट एफ सेकेंड लाइन यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लाइन पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं जो हम लोग का वेरिएबल है। सो वेरिएबल अगर हम लोग इस लाइन को प्रिंट आउट करेंगे तो रिजल्ट विल बी, व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा अगर मैं इस सेकेंड लाइन को प्रिंट करता हूँ तो 10. So num is my variable that is holding the value 10. And अगर हम लोग उस num variable को print कर रहे हैं तो हम लोग का result भी या display output पे show होना चाहिए the value 10. Now in the next printf part, जो हम लोग का next printf वाला part है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग variable का, जो हम लोग का variable है that is num, उस variable का address को हम लोग print out करना चाहते हैं। तो इस वेरिएबल का एड्रेस हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बस कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये फर्स्ट प्रिंट एफ एंड सेकेंड प्रिंट एफ वाला लाइन को ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रिंट एफ में भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक वेरिएबल को, सेकेंड प्रिंट एफ में भी हम लोग कुछ प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे, डिफरेंस ये है मेरा जो वेरिएबल नाम है यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम वाला वेरिएबल प्रिंट किया है टू शो द वैल्यू ऑफ नाम, टू शो द वैल्यू ऑफ नाम वेरिएबल। बट इन द सेकेंड केस, यहाँ पे सेकेंड वाला केस में क्या हो रहा है, ना ampersand num वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने एक ampersand यूज किया है। सो व्हेन वी यूज ampersand, ampersand कब यूज किया जाता है,
When do you use ampersand? हाँ सॉरी मेलो के शो कराने के लिए राइट तो हम लोग एड्रेस को अगर ध्यान से देखेंगे एम्परसेंड हम लोग तभी यूज करते जब हम लोग स्कैनफ स्टेटमेंट पहले यूज करते थे। स्कैनफ स्टेटमेंट पे क्या होता था हम लोग कुछ यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं और हमें उस वैल्यू को कोई एक वेरिएबल पे होल्ड करना चाहते हैं वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं तो तब हम लोग एम्परसेंड वाला यूज करते थे। मतलब एम्परसेंड का काम क्या हुआ टू स्टोर द एड्रेस टू स्टोर द वैल्यू इन द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इस ampersand ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस num वेरिएबल पे जहां पे ये क्या शो करेगा जो हमारा num वेरिएबल पे वेरिएबल हम लोग यहाँ पे असाइन किए हैं जो बना है ये हम लोग के मेमोरी पे कहीं ना कहीं एक ब्लॉक पे अपना वैल्यू होल्ड कर रहा है अपना एक पोजिशन होल्ड कर रहा है। तो उस मेमोरी कहाँ पे ये किस लोकेशन पे ये हम लोग का मेमोरी ब्लॉक पे किस लोकेशन पे ये प्रेजेंट है हम लोग उस एड्रेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं राइट। तो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द फीचर ऑफ ampersand वेरिएबल। अगर हम लोग अपने हाउस की तरह इसको सोचे मान लीजिए हम लोग का हाउस एक पर्टिकुलर वेरिएबल है राइट। तो हाउस इज अवर वेरिएबल तो हम लोग हर एक हाउस को या हर एक पर्सन को हर एक हाउस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वहां पे हर एक हाउसेस का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। मान लीजिए एक एरिया में बहुत सारे हाउसेस है लेकिन हर एक हाउसेस को डिफरेंटली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हर एक हाउसेस का एक पर्टिकुलर नंबर होता है 1, 2 या 1/2a दैट इज पर्टिकुलर। सो हर एक हाउसेस का या हर एक अगर हम लोग खुद का एक पर्सन की एज ए पर्सन हम लोग सोचे सपोज यू आर ऑल स्टूडेंट इन द सेकेंड सेमेस्टर राइट। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर देर आर 100 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। तो हम लोग हर एक पर्सन को डिफरेंटली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हर एक का यूनिक रोल नंबर। A role number is a very unique thing that cannot be same. हर एक student का role number unique होता है ये किसी से भी match नहीं करेगा। Registration number, university registration number will also be a unique. तो ये जो चीज है जहां से हम लोग particularly एक चीज को identify कर सकते हैं that is the value or the address. We can call that is an address. तो यहाँ पे भी हम लोग का same है कि हम लोग जो variable initialize कर रहे हैं variable को बना रहे हैं उस वेरिएबल मेमोरी पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे अपना वैल्यू होल्ड करेगा। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ampersand ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं राइट। तो दिस इज अ वेरी बेसिक और अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा एक हेक्साडेसिमल राइट। तो हेक्साडेसिमल आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंट पी हम लोग नॉर्मली कौन सा आइडेंटिफाई फॉर्मेट आइडेंटिफाई देखे हैं परसेंट डी देखे हैं परसेंट सी देखे हैं राइट परसेंट एस देखे हैं फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। तो नाउ फॉर प्रिंटिंग एन एड्रेस इन अ हेक्साडेसिमल वैल्यू वी यूज परसेंट पी और ऑल्सो परसेंट पी रेफर एज पॉइंटर वेरिएबल और पॉइंटर स्पेसिफायर। तो परसेंट पी इज अ पॉइंटर स्पेसिफायर दैट होल्ड और दैट गिव्स द आउटपुट इन अ हेक्साडेसिमल वैल्यू दैट गिव्स द आउटपुट इन अ हेक्साडेसिमल वैल्यू राइट। तो ये वाला जो प्रोग्राम है मैं इसको अभी रन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे और एक दो प्रोग्राम होगा जो जिनको मैं रन करूंगा जिनको मैं दिखाऊंगा उसका प्रोसेस क्या है ठीक है ना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था तो इसको मैं रन नहीं कर रहा हूँ राइट। देखिए यहाँ पे ये एक ब्लॉक है राइट। तीन चीज आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्या नाम दैट इज अवर वेरिएबल अ वैल्यू इनसाइड द नाम एंड अ हेक्साडेसिमल नंबर। तीन चीज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं दैट इज नाम अ वेरिएबल 10 इज आवर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एंड दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर दैट इज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो हम लोग जब एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग जब एक वेरिएबल बनाते हैं तो क्या क्या होता है तीन बेसिक चीज वहां पे होता है। एक वेरिएबल हम लोग बनाए मतलब वेरिएबल बनाना हम लोग जब वेरिएबल को इनिशियलाइज करें तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ वैल्यूज हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो वेरिएबल नेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड थर्ड वन व्हेनेवर हम लोग जहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किए ये मेमोरी पे कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है तो एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो दिस इज अ सिंपल थिंग अ सिंपल डायग्राम बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड जहाँ से हम लोग आसानी से ये समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं क्या बेसिक थ्री चीज हम लोग को इनिशियलाइज होता है वेरिएबल नेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल राइट। अब हम लोग ये वाले प्रोग्राम को रन करेंगे
ये वाले जो प्रोग्राम है यहाँ पे रन करेंगे। अच्छा पहले मैं एक चीज आप लोग को पूछना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को प्रिंट आउट किया है, तो यहाँ पे मैंने अलग से, यहाँ पे मेरा वेरिएबल कितना है पहले मुझे बताइए, ये वाला प्रोग्राम पे मैंने कितना वेरिएबल इनिशियलाइज किया है? एनीवन, इस वाले प्रोग्राम पे मेरा कितना वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है? सर वन वन राइट। अभी हम लोग ये प्रोग्राम पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ये वाला प्रोग्राम पे कितना वेरिएबल असाइन हुआ है? टू। क्या क्या वेरिएबल है आप बता सकते हैं? सर एक नॉर्मल वेरिएबल है और एक पॉइंटर वेरिएबल है। यस, तो नॉर्मल वेरिएबल इज अवर नम वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया, जैसे हम लोग पॉइंटर का डेफिनेशन पे हम लोग बात किए, तो व्हाट इज द पॉइंटर, उसका डेफिनेशन क्या था, ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये वाला जो प्रोग्राम था यहाँ पे मैंने कोई अलग से पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया था, बस सिंपली मेरा जो वेरिएबल है मैं उसको एम्परसेंड के थ्रू उसका एड्रेस को डिस्प्ले कर रहा था। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। नाउ वेदर आई एम टॉकिंग एज अ पॉइंटर वेरिएबल, तो यहाँ पे सर, हाँ सर परसेंट पी इज व्हिच डेटा स्पेसिफाई, सॉरी रिपीट सर, परसेंट पी इज यूज फॉर व्हिच वन, व्हिच डेटा टाइप, पॉइंटर फॉर पॉइंटर वेरिएबल और टू प्रिंट द एड्रेस इन अ हेक्साडेसिमल वैल्यू। ओके सर, ओके। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, दैट इज द नाम, दैट इज वन वेरिएबल होल्डिंग सम वैल्यू 10, राइट। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर, जब हम लोग पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो वहां पे दिस एस्टेरिक साइन विल बी देयर, मतलब पॉइंटर पी और एस्टेरिक पी, इट इज डिनोटिंग दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, वन इज अ नाम वेरिएबल, सेकेंड वन इज अ पॉइंटर पी वेरिएबल। मीन्स हम लोग पॉइंटर जब इनिशियलाइज करेंगे सो बाय डिफॉल्ट वी आर असाइनिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। सो हाउ वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, देयर विल बी अ एस्टेरिक साइन, वहां पे एक एस्टेरिक साइन होगा जहां पे हम लोग को पता चल जाएगा कि यस दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग से, ये आप लोग को प्रोग्राम दिख रहा है राइट, ये जो प्रोग्राम है राइट, यहाँ पे एक प्रोग्राम आप लोग को दिख रहा है, कैन एनी वन टेल मी वेदर, कोई आप लोग में से कोई भी एक मुझे बताइए, कोई भी, क्या मैं अगर ये प्रोग्राम को रन करता हूँ वेदर दिस प्रोग्राम विल रन और नॉट? एनीवन? नो सर, नो सर, नो। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग नो, दोज हु आर टेलिंग नो रेज योर हैंड। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस p इज इक्वल टू हैश? I will explain. First of all, tell me that आप लोग में से किनको, means there are 30 students are present. How many of you are accepting that this program will not run? जिनको लगता है ये program run नहीं करेगा वो लोग अपना hand raise कर दीजिए. Okay, I can see 1, 2, 3, 4, 5. So पांच स्टूडेंट्स को लगता है ये प्रोग्राम, अच्छा छह स्टूडेंट्स को लग रहा है ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा राइट। अच्छा तो बाकी सबका मैं यही पकड़ सकता हूँ कि बाकी सबको लग रहा है ये प्रोग्राम रन करेगा राइट। ओके तो जिन लोग ने नो बताया है वो लोग अपना हैंड डाउन कर दीजिए, नो नीड टू रेज नाउ। ओके तो 6 or 7 स्टूडेंट्स आर एक्चुअली सेइंग दैट दिस प्रोग्राम विल नॉट रन। ओके फाइन, अभी मैं आप लोग से जिन्होंने 6-7 जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग ने अपना हैंड रेस करके बताया कि ये नो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो कोई भी एक मुझे ये लॉजिक बताइए कि ये प्रोग्राम क्यों रन नहीं करेगा। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है ये प्रोग्राम रन क्यों नहीं करेगा? वी आर नॉट रिलेटिंग दिस पॉइंटर विद वेरिएबल। यू आर नॉट रिलेटिंग पॉइंटर विद वेरिएबल, विद वेरिएबल। अच्छा सो व्हेन एट व्हिच पर्टिकुलर लाइन, किस लाइन पे यहाँ पे आपको लग रहा है कि एरर आएगा?
मीन्स हम लोग का काम p equal to hash, right? So those who are saying no, this program will not run. So it will not run because of this particular line, p equal to hash. क्या है? हम लोग ने एक वेरिएबल असाइन किया, दैट इज नाम. यहाँ पे हम लोग ने और एक वेरिएबल असाइन किया, दैट इज पॉइंटर p. Now p equal to hash. This hash is nothing in description. So hash is nothing. So अभी किसी ने मुझसे सवाल किया कि p equal to hash का सर आप मतलब समझा दीजिए. So this p equal to hash is nothing. This line will give you a error. This line will give you a error and the program will not at all compile. So अगर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, right? तो मैं आपको अभी ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि क्या एरर आने वाला है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, कोडिंग का स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? यस सर. यस सर. यस सर. तो p इक्वल टू हैश, व्हेन वी आर राइटिंग दिस p इक्वल टू हैश, सो यू कैन सी दैट देयर इज अ एरर. एंड व्हाट इज द एरर? दैट इट इज सेइंग स्ट्रे हैश इन प्रोग्राम, दिस इज एन एरर. व्हेनेवर इट इज एरर इन द ब्रैकेट, जब कहीं पे एरर आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट पे आपको एरर दिखाएगा. अगर कहीं पे वार्निंग दिखा रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम लॉजिक सही है या ये रन कर जाएगा, लेकिन कुछ आपका वार्निंग आ रहा है, दैट इज नॉट एन इश्यू. बट एरर मतलब आपका एरर है. सो देयर आर वन एरर दैट इज सेइंग दैट एरर स्ट्रे हैश इन प्रोग्राम. तो ये जो p इक्वल टू हैश, दिस इज नथिंग. ओके, सो देयर वी नीड टू पुट सम पॉइंटर रिलेटेड वैल्यू. तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? एक है नाम वेरिएबल. सर हैज के बाद सेमीकोलन ला के चेक करिए ना, थोड़ा सा देख लेते हैं. ओके, चेक करते हैं फिर भी. चेक कर लिए, क्या दिख रहा है आपको? यस सर, एरर आ रहा है सर. हैश इज नथिंग. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे? आप बेसिक लॉजिक से हम लोग अगर सोचते हैं, बेसिक लॉजिक, ये पॉइंटर का लॉजिक आप भूल जाइए. बेसिक लॉजिक क्या है? हम लोग वेरिएबल असाइन किया है, तो उस वेरिएबल में हम लोग वेरिएबल पे कोई भी एक वैल्यू असाइन करना होता है, राइट? अगर मैं वैल्यू असाइन नहीं करूंगा तो दैट वेरिएबल विल होल्ड नथिंग. सो हम लोग वेरिएबल असाइन किए हैं, मतलब उस वेरिएबल पे कोई वैल्यू होना चाहिए, राइट? अब मेरा पहला वेरिएबल क्या है? नाम. इस नाम वेरिएबल पे मैंने कोई एक वैल्यू असाइन किया है, दैट इज 10, राइट? अब यहाँ पे और एक वेरिएबल असाइन हुआ है, दैट इज पॉइंटर p. जब भी हम पॉइंटर p यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, मतलब पॉइंटर p, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन आई राइट इन दिस p इक्वल टू? द क्या होगा मुझे p इक्वल टू में क्या लिखेंगे जिसके वजह से मेरा p का वैल्यू या कोई भी आउटपुट डिस्प्ले होगा? ampersand num. p equal to ampersand num. Okay, one student is saying p equal to ampersand num. Anyone with any other option? Sir, asterisk p is equal to ampersand num. Asterisk p equal to ampersand num. Okay, anyone with any other? Or किसी को कुछ आइडिया? Asterisk p is equal to ampersand num. Asterisk p equal to ampersand num. Okay. और कोई कुछ बताना चाहता है? Anyone? आइडिया आप लोग को अपने दिमाग से सोचना होगा कि क्या हो सकता है, क्या ये बेसिक लॉजिक से आप लोग सोचिए. तो ये कोई पॉइंट है, ज्यादा कुछ आप सोचने की जरूरत नहीं. बेसिक लॉजिक से आपको जो भी लग रहा है आप बताइए. ओके, तो सॉरी सर, आई टोल्ड प्रीवियसली रॉन्ग. इट इज p इज इक्वल टू m फर्स्ट नम. ओके, सो टेकिंग द कंसीडरेशन दैट टू स्टूडेंट्स आर सेइंग p इक्वल टू m परसेंट नम, राइट? So p equal to ampersand num. Now one student who is saying that pointer p or asterisk p equal to ampersand num, asterisk p is already defined. हम लोग already pointer asterisk p को define कर दिए हैं, मतलब ये एक pointer variable है. So we don't need to write this asterisk p again, because whenever we are founding p, जब हम लोग को p मिलेगा, मतलब it is already a pointer variable. So this is already described or this is already initialized. So हम लोग जब पॉइंटर p या p को जैसे पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जहां पे भी p को यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को यूज करेंगे, हम लोग को उस एस्टेरिक साइन को रिपीट नहीं करना है, राइट?
So this is the value p equal to ampersand num. Okay, now let me compile. So now you can see there is no error. यहाँ पे अभी कोई error नहीं आ रहा है, right? तो मतलब हम लोग जब एक basic logic की तरह सोचेंगे, हम लोग जब एक variable initialize कर रहे हैं तो उस variable पे कोई भी एक address या कोई भी एक value hold करना जरूर important है, right? तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक line भी लिखा था, assigning address of the num to the pointer p. तो इस लाइन से आप लोग को पता चलना चाहिए था कि यहाँ पे p में क्या वैल्यू होल्ड होगा, राइट? तो p इक्वल टू एम्परसेंड नाम, ऑल द थिंग इज सेट. नाउ लेट रन द प्रोग्राम. नाउ वी कैन सी, ओके लेट मी शो यू द आउटपुट स्क्रीन. ओके तो हम लोग को दिख रहा है कि इन द आउटपुट सेक्शन वी आर हैविंग सम हेक्साडेसिमल वैल्यू एंड दैट इज सेइंग दैट इट इज एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नाम. तो वी कैन आइडेंटिफाई, तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग के मेमोरी ब्लॉक में कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे, कौन से एड्रेस में हम लोग का ये वेरिएबल स्टोर हुआ है, कौन से मेमोरी ब्लॉक को इस वेरिएबल ने असाइन किया है, राइट? तो ये हम लोग ने देखा कि पॉइंटर का एड्रेस, ओके वन मिनट, ओके. तो हम लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग का एक वेरिएबल का एड्रेस या लोकेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, अभी तो हम लोग ने जो रिजल्ट देखा दैट इज शोइंग इन अ हेक्साडेसिमल नंबर, राइट? अगर मैं इस एड्रेस को, जो हम लोग का एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल का पी का, हम लोग अगर इसको सिर्फ एक इंटीजर नंबर पे देखना चाहते हैं तो कहाँ पे चेंजेस करना होगा, क्या चेंजेस करना होगा? अगर हम पी की जगह परसेंट डी, यस सर, परसेंट पी, ओके, एस्ट्रिक्स पी, राइट? तो अगर मैं इसको रन करता हूं, नाउ शोइंग यू द स्क्रीन ऑफ आउटपुट. तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे अभी जो मेरा वैल्यू आउटपुट पे शो हो रहा है दैट इज अ सिंपल इंटीजर नंबर, राइट? तो हम लोग आउटपुट सेक्शन पे किस वे में प्रेजेंटेशन क्या करना चाहते हैं, किस वे पे हम लोग आउटपुट पे देखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग का जो रिजल्ट है वो चेंजेस होगा. अगर हम लोग उसको इंटीजर पे देखना चाहते हैं सो दैट विल बी परसेंट डी. अगर हम लोग उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में देखना चाहते हैं सो दैट विल बी अ परसेंट पी. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर और दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो अभी मैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वहां पे, हाँ तो ये यहाँ पर P के जगह सर एम्परसेंट P लगा के देखो क्या होगा. देखिए कहाँ पे बताओ, कौन से लाइन पे, लाइन नंबर सब सर 10th नंबर, लाइन नंबर 10. यहाँ पे मैं अगर एम्परसेंट P दिखना चाहता हूँ, राइट? यस सर. ओके चलो देखते हैं क्या होता है, नो इश्यू. सो हियर इज द आउटपुट. तो यहाँ पे हम लोग को कुछ आउटपुट मिल रहा है, राइट? तो अभी मेरा रिपीट सवाल है, जो भी स्टूडेंट मुझे ये सवाल किया, तो कोई मुझे बता सकता है ये जो रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है 6487568 किसका एड्रेस ये बता रहा है, किस वेरिएबल का एड्रेस ये बता रहा है? मतलब हम लोग यहाँ पे किसका एड्रेस देख रहे हैं, पी वेरिएबल का, जो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का हम लोग एड्रेस अभी एम्परस में पी डालने से उसका एड्रेस हम लोग को दिखाएगा. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, दोज हु टेल मी टू राइट एम्परस एंड पी देयर, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बात करेंगे, वो इसी के रिलेटेड है, राइट? सो लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके सो वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ओके वन थिंग दैट एम्परसेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. सो एम्परसेंट पी इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, दिस इज जस्ट अ टर्म. तो हम लोग इसके ये सब के बारे में डिस्कशन अभी कर चुके हैं. नेक्स्ट अभी हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, नाउ शोइंग यू द पर्टिकुलर प्रोग्राम.
हम लोग प्रोग्राम पे डिस्कशन करेंगे तो हम लोग को समझने में आसानी होगी, राइट? तो इसलिए मैं प्रोग्राम थ्रू प्रोग्राम पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। प्रोग्राम के डिस्कशन करने से पहले मैं एक ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को पहले हम लोग स्टडी करते हैं। क्या है डायग्राम पे? दो चीजें, यहाँ पे एक मेरा वेरिएबल है वैर, और यहाँ पे मेरा और एक वेरिएबल है दैट इज पी। टू वेरिएबल्स आर देयर। नाउ वैर इज होल्डिंग सम वैल्यू दैट इज 10 एंड वैर इज हैविंग सम एड्रेस, राइट? सो थ्री थिंग्स, वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू 10 एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। इस डायग्राम से हम लोग को क्लियर आइडिया होगा कि कौन क्या चीज रेफर करता है। एंड इन द नेक्स्ट देयर इज अनदर वेरिएबल दैट इज पी। पी इज होल्डिंग सम वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड पी इज हैविंग एन एड्रेस वैल्यू। थ्री थिंग्स। नाउ लुक एट, अगर हम लोग अच्छे से देखें तो क्या हो रहा है, पी के ब्लॉक में, पी के वैल्यू वाला ब्लॉक में जो वेरी वैल्यू प्रेजेंट है, पी के वैल्यू वाला ब्लॉक में जो वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज रेफरेंसिंग टू व्हिच पार्ट, ये कहाँ पे रेफर कर रहा है, दैट इज रेफरिंग टू द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वर्ड मतलब जब हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ पे तीन चीज इनिशियलाइज हुआ है, दैट इज इंट वैर इक्वल टू 10, इंट पॉइंटर पी, एंड पी इक्वल टू एम्परसेंट वर्ड। तो अगर हम लोग इस तीन लाइन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो पहला वाला क्या होगा, इंट वर्ड इक्वल टू 10, अगर हम लोग पहला वाला लाइन को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, मतलब इंट वर्ड, एक वर्ड इंट वर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है जहां पे मैंने एक वैल्यू स्टोर किया है दैट इज 10। नाउ इंट पॉइंटर पी, अनदर वेरिएबल हैव बीन इनिशियलाइज दैट इज पी। नाउ पी इज हैविंग अ वैल्यू पी इक्वल टू एम्परसेंट वर्ड, तो एम्परसेंट वर्ड इज रेफरेंसिंग टू द एड्रेस। एम्परसेंट वर्ड क्या रेफरेंस कर रहा है, रेफरेंसिंग टू द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वर्ड, एंड दिस एम्परसेंट वर व्हाट एवर द वैल्यू, जो भी वैल्यू है एम्परसेंट वेरिएबल वर में, ये हम लोग का रेफर करेगा, ये हमारा कहाँ पे स्टोर होगा, दैट इज इन द पॉइंटर वेरिएबल और द वैल्यू ब्लॉक ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। एंड नाउ पी इज ऑल्सो हैव सम एड्रेस वेरिएबल, राइट? तो हम लोग किस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर हम लोग वेरिएबल जो वैर वेरिएबल है उसका एड्रेस को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो पी को प्रिंट कर, पी को प्रिंट करने से हम लोग को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। और अगर हम लोग पी जो हम लोग का पॉइंटर वेरिएबल है उसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके एड्रेस को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देयर इज अनदर, वी कैन एनालाइज इनिशियलाइज अनदर वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल, और ऑल्सो वी कैन यूज द एम्परसेंट और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल। तो बाई टू वे, देयर आर टू वेज, दो प्रोसेस से हम लोग एक एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस को हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं, राइट? नाउ मैं जो बात कर रहा था प्रोग्राम रिलेटेड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटेड वाला पार्ट है, बहुत सारा, राइट? तो मैं आउटपुट सेक्शन को भी हटा देता हूँ, बहुत सारा प्रिंटेड वाला पार्ट है। मैं इस चीज का आउटपुट क्या होगा ये मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग को आंसर देना है क्या होगा वन बाई वन इसका आउटपुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया, दैट इज वन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, वन ऑफ नॉर्मल अ वेरिएबल, एंड नॉर्मल वेरिएबल जो वैर है यहाँ पे मैंने एक वैल्यू होल्ड किया दैट इज 10। तो यहाँ पे पी इक्वल टू एम्परसेंट वैर, तो ये तक आप लोग को बहुत अच्छे से अभी तक पता चल चुका है, क्योंकि इसके बारे में, ये वाला पार्ट जो, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, राइट? तो ये वाला पार्ट आप लोग को आइडिया हो चुका है। नाउ वन ऑफ यू विल टेल मी, आप लोग में से कोई एक रैंडम, कोई भी पर्सन एक एक करके मुझे बताएंगे कि किस प्रिंटेफ लाइन का रिजल्ट क्या होगा। मैं पूछूंगा पहला वाला प्रिंटेफ का, तो एनी वन टेल मी, कोई भी एक मुझे बताइए, अगर मैं ये वाला लाइन को प्रिंट आउट करता, अच्छा कोई भी नहीं, मैं किसी पर्सन को पूछूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी आप लोग से पूछना, आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग कोई भी बताइए, तो जो गिने चुने जो स्टूडेंट्स है वही आप लोग को आंसर देने वाले हैं, राइट? तो मैं कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट को पूछूंगा, उनको आंसर देना है कि फर्स्ट लाइन का रिजल्ट क्या होगा, राइट? तो प्रखर गुप्ता EC09, प्रखर गुप्ता, प्रखर गुप्ता आर यू देयर? जिनका जिनका मैं अगर नाम बता रहा हूं अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आई विल थिंक और आई विल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ये लोग सिर्फ ज्वाइन करके यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग कोई भी
उस साइड पे ये लोग बैठे मीन्स सुन नहीं रहे जो मैं बता रहा हूँ, तो उनका अटेंडेंस पे मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा. फाइन. तो प्रखर गुप्ता आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम. ओके तो प्रखर गुप्ता इज नॉट देयर. फाइन. ओके नेक्स्ट प्रंजल श्रीवास्तव. यस सर. सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फर्स्ट लाइन? 10. ओके फाइन थैंक यू. तो अगर हम लोग फर्स्ट लाइन का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वी कैन सी दैट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 10. राइट. नाउ फॉर द सेकेंड लाइन. Second line, who is going to tell? Praveen Singh, Electrical 02. Yes, sir. So what will be the output for the second line? Sir, 10. Why 10? Reason? सेकेंड लाइन का आउटपुट आप 10 बता रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन फॉर द 10? सर हियर द पॉइंटर वैल्यू ऑफ पी द एंड सर पॉइंटर वैल्यू ऑफ पी इज 10. मींस हाउ कैन यू डिस्क्राइब? हियर द पी इज इक्वल्स टू एंड VAR it is written. So the value of end where 10 will come here. Okay. कोई मुझे explain कर सकता है what is the reason for the value of pointer P equal to 10? Sir, P is already a pointer and if we put asterisk then it will refer to the value. Okay, right. So अगर हम लोग डायरेक्टली पॉइंटर और एस्टेरिक पी को प्रिंट करते हैं सो दैट विल रेफर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. सो दैट इज व्हाई पॉइंटर पी इज रेफरेंसिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज वेयर एंड दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 10. फाइन. नाउ फॉर द थर्ड लाइन प्रिंट इफ एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वेयर इज परसेंट पी एम्परसेंट वेयर. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? नाउ द आंसर विल बी गिवन बाय वेट अ मिनट कौन नया है यहाँ पे? अनिकेत कुमार राज सिविल 28. He has no mic. ओके. सुभाषिनी विश्वकर्मा. यस सर. तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द थर्ड लाइन? सर वो एड्रेस शो करेगा और वर्क का. So that will be showing the address of the var. So that will be any hexadecimal value or a integer value. So it is a hexadecimal value. Okay. So why hexadecimal? Why do you think it is hexadecimal? Because we are using here percent P. Okay. Fine. Thank you. Now. Thank you, sir. For the next four line, line number four, what will be the result? The answer will be given by Aryan Kumar, Mechanical 21. Hello, sir. Yes, Aryan. Sir, आपने क्या पूछा था सर? अभी ज्वाइन किया ना तो समझ नहीं आ रहा. Okay, thank you for joining so fast. नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार चले जा रहा था फिर आ रहा था इसीलिए. Okay, okay, no issue, Aryan. The lecture will be uploaded in the YouTube. You can go and study there. Okay. Okay, sir. Okay. Now, so who will tell me the answer number four? Line number four. Anyone can tell me. Sir, it will show the address of var. It will show the address of var. Okay. So all are agreeing with me. सबको same लगता है? Yes, sir. Okay. Fine. Yes, sir. So. Up to line number four, we can see the output also here. So value and address. Now for the line number five, printf address of the pointer. It is already mentioned here. There, so nothing to describe. Address of the pointer ampersand p means it will show the address of that particular pointer variable.
एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल। तो मुझे लगता है कि ये जो पांच लाइन है, इस पांच लाइन से हम लोग को अच्छे से पता चल गया है कि कौन सा लाइन पे, कौन से स्टेटमेंट पे, कौन से प्रिंटेड वैल्यू के लिए कौन सा रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, कौन सा रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो दिस इज, अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यही वाला जो आउटपुट से, यही आउटपुट हम लोग को शो करेगा। तो अगर टाइम यहाँ पे बहुत कम है, आज 2 मिनट्स लेफ्ट, सो आई विल नॉट गोइंग टू रन दिस कोड टुडे, वी विल श्योरली डू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। देयर आर वन मोर प्रोग्राम हियर, और एक यहाँ पे प्रोग्राम है, ओके यहाँ पे और एक प्रोग्राम हम लोग को दिख रहा है जहाँ पे वही सेम है, प्रोसेस ऑल द थिंग्स आर सेम एंड यहाँ पे मेंशन ऑल द थिंग्स आर टोटली सेम। सो एज हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे। सो द नोट्स विल बी अपलोडेड इन द LMS टुडे एंड यू पीपल कैन सी द रिजल्ट ऑफ द थिंग्स। ओके नाउ वन थिंग आई एम गोइंग टू आस्क दैट, जो भी हम लोग आज पॉइंटर के बारे में डिस्कशन किए हैं, जो भी हम लोग बात किए हैं, इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट्स है, कोई भी किसी को, एनीवन हैव एनी डाउट्स? अगर किसी को कुछ डाउट्स है या किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे बता सकते हैं, या आप लोग को समझ में आ रहा है, या जो मैं आप लोग को स्टडी पढ़ाता हूँ, जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके कोई प्रॉब्लम है या आप लोग को समझ में आ रहा है? इफ एनीवन एनी प्रॉब्लम एनीथिंग, अगर कोई कुछ बताना चाहता है कोई भी, तो आप बता भी सकते हैं, कोई सजेशंस एनीथिंग? सर फंक्शन को एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना सर, फंक्शन में बहुत दिक्कत, नहीं समझ में आ रहा था अच्छा से। फंक्शन में और एक बार रिपीट, तो फंक्शन के लिए मैं और एक क्लास आप लोग को फिर ओके सो नेक्स्ट क्लास आई विल रिपीट द फंक्शन अगेन। तो जिनको भी फंक्शंस के लिए प्रॉब्लम है, सबको फंक्शन में प्रॉब्लम है या किसी एक पर्टिकुलर को? अगर सबको है तो मैं रिपीट करूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर है तो उनको मैं 1-to-1 क्लास में समझाऊंगा। How many of you want to repeat the function class? So Manish, I think you have a problem in function, right? Yes, sir. So I think I don't need to repeat the class totally. So you can talk me 1-to-1. Okay. So I will clear your all the confusion, whatever you have. Yes, sir. ठीक है मनीष, तो आपका जो भी डाउट है वो हम लोग 1v1 क्लास में, 1-to-1 क्लास में इसको क्लियर करेंगे, राइट? ओके यस सर। ओके सो टाइम इज गोइंग टू एंड टुडे, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग इनटू द सेशन एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर इन योर होम।